हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हिमालय शर्मा फ्रॉम धामणा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 10, एड अवर पॉइंट्स। उसमें आज हम देख रहे हैं टू एट अ टाइम, एक बार में दो ही, ऐसा। चिंटू एंड मिंटू वेंट शॉपिंग। चिंटू और मिंटू शॉपिंग के लिए गए, खरीदारी करने के लिए गए थे। दे बॉट सम थिंग्स, उन्होंने कुछ कुछ चीजें खरीदी थी। टू पे दे यूज्ड नोट्स एंड कॉइन्स, अभी आप बाजार में जाते हो, कुछ खरीदते हो तो उसके लिए पैसे भी देते हो ना। यस, तो इन लोगों ने नोट्स एंड कॉइन्स पे किए दिए, बट ओनली टू एट अ टाइम, सिर्फ एक बार में सिर्फ दो ही चीज, यानी दो ही नोट या दो ही कॉइन या दो ही, मतलब दो ही दिए, एक बार में दो ही दिए। आउट ऑफ दिस विच टू कैन दे यूज टू बाय द थिंग्स बिलो, अगर ये सारी चीजें उन्होंने खरीदी है तो वो कौन कौन से दो देंगे, नोट देंगे या कॉइन, या दो नोट या दो कॉइन, ऐसा। दे कैन यूज द सेम नोट्स और कॉइन मोर देन वन टाइम, वो एक से ज्यादा बार नोट्स एंड कॉइन्स को, सेम नोट्स एंड कॉइन्स यानी एक की एक ही नोट और कॉइन का यूज कर सकते हैं। देखो ये कितने रुपीज की नोट है, 10 रुपीज की नोट है ना, आप लोगों ने ये देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो अपने पेरेंट्स को बोलना, वो दिखाएंगे। ये 50 रुपीज की नोट है, ये 20 रुपीज की नोट है, ये 1 रुपी का कॉइन है, ये 5 रुपी का कॉइन है, और ये 2 रुपी का कॉइन है ना बच्चों। तो उन्होंने क्या खरीदा है, बैट खरीदा है, उसके लिए उन्होंने 20 रुपीज पे किए हैं। कितने रुपीज, 20 रुपीज। तो अगर 20 रुपीज हो तो हम इसमें से कौन सी दो नोट्स हम उनको देंगे या दो कॉइन्स देंगे, तो सोचो। तो 20 की नोट देंगे तो वो एक ही नोट हो गई है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया है, दो नोट्स दी है, तो वो कौन कौन सी है, 10 रुपीज की नोट एंड 10 रुपीज की नोट, 10 एंड 10, 20 रुपीज हुए ना बच्चों। यस, 10 एंड 10, 20 रुपीज। ऐसे ही बुक, तो बुक कितनी रुपीज की है, 10 रुपीज की, 10 रुपीज के लिए वो कितने पैसे देंगे, 10 रुपए की नोट देंगे, तो वो एक ही होगी है ना, लेकिन क्या देना है, दो चीजें देनी है, दो या दो नोट या दो कॉइन या एक नोट एंड एक कॉइन, ऐसे देना है। 50 रुपीज की नोट तो दे नहीं सकते, ज्यादा हो जाएगा। 20 रुपीज की नोट भी नहीं दे सकते, ज्यादा हो जाएगा। 2 रुपए के 2 कॉइन देंगे तो 2 एंड 2 4 होंगे, ये भी नहीं होगा। 1 का कॉइन देंगे तो भी नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, 5 रुपए के 2 कॉइन्स देंगे, यानी 5 प्लस 5, तो 10। 5 प्लस 5 तो कितने होंगे, 10 होंगे है ना। यस, 5 प्लस 5 10, 5 5 के 2 कॉइन्स देंगे वो लोग। अभी नेक्स्ट है बॉल, तो बॉल के कितने रुपीज है, 40 रुपीज है। 40 रुपीज के लिए वो क्या देंगे, 10 की नोट देंगे, नो 50 की। अगर 10 की 2 नोट्स देंगे तो 20 होगा, 10 की नोट एंड 20 की नोट देंगे तो 20 प्लस 10 30 होगा, 50 की नोट देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, 20 20 की 2 नोट्स देंगे है ना। तो हम बॉक्स में यहाँ पे 20 20 की 2 नोट्स ड्रॉ करते हैं, 20 प्लस 20 यानी 40 रुपीज है ना, 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज तो 40 रुपीज है ना। यस, अभी ये टॉप है, टॉप के कितनी रुपीज है, 60 रुपीज है, तो अभी 60 रुपीज के लिए वो क्या पे करेंगे इसमें से, सोचो। तो 60 रुपीज के लिए वो क्या पे करेंगे, एक 50 रुपीज की नोट और एक
10 रुपये की नोट है ना, एक 50 रुपीज की नोट और एक 10 रुपये की नोट, यानी 60, 50 प्लस 10 60 होगा है ना, यस। एंड लास्ट है डॉल, डॉल के कितने रुपीज है, 25 रुपीज। 25 रुपीज के लिए वो कौन सी नोट और कॉइन चूज करेंगे, तो देखो 10 रुपये की नोट 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 होगा, 25 तो होगा नहीं, तो वो कौन सी नोट यूज करेंगे, 20 की नोट एंड 5 रुपये का कॉइन यूज करेंगे, तो 20 एंड 5, 20 रुपीज की नोट एंड 5 रुपये का कॉइन, तो 25 रुपीज है ना बच्चों। तो देख सकते हैं आप, इन्होंने चिंटू एंड मिंटू ने दो दो चीजें ली है, दो कॉइन्स या दो नोट्स या नोट्स एंड कॉइन्स, और कैसे ये सब चीजें उन्होंने खरीदी है ना बच्चों, यस। तो आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।